फ्रेंड्स, पिछले 2 दिनों से एक ही चर्चा जो है बाजारों के अंदर छाई हुई है, और वो चर्चा क्या है वो आपको पता ही है जो आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। और चर्चा केवल एक ही हो रही है कि एक ऐसा व्यक्ति निकल कर आता है जिसका नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा। उस व्यक्ति का नाम है माइकल बरी, जिसने 2008 के अंदर जब वो सब प्राइम इशू हुआ था और पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट तहस नहस हो गए थे, उसको प्रिडिक्ट किया था। और वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जो है अपने लिए भी वेल्थ क्रिएट की थी उन्होंने, और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी। तो ये व्यक्ति है माइकल बरी, और माइकल बरी ने पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर जो उन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज कंट्रोल यूएसए को डिक्लेरेशन दी है अपनी पोर्टफोलियो की पोजीशंस की, जैसे इंडिया में भी 1% से बड़ी इक्विटी की देते हैं, वहां पर आपको अपनी एफएनओ पोजीशंस की भी देनी पड़ती है अगर आपकी एफएनओ की पोजीशंस एक साइज से बड़ी होती है। तो वो जो पोजीशंस है वो इन्होंने डिक्लेयर की है, और वो पोजीशंस इन्होंने 1.6 बिलियन यानी कि 160 करोड़ डॉलर की जो डील है वो की है ऑप्शंस के माध्यम से। उसको रुपी टर्म्स में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 करोड़ को आप मोटा मोटी 82-83 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हालांकि अभी तो 83 है, ये वो वैल्यू निकल कर आती है जिसकी इन्होंने पुट खरीदी है। तो वो ये इतना पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया, बट इतनी वैल्यू है जिसके सामने इन्होंने पुट खरीदी है। और जो पुट है वो देखिएगा एक लॉन्ग पीरियड्स की भी होती है, साल की, 2 साल की, 3 साल की। यूएस में थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है, आप चाहें तो वहाँ पर 4 साल 5 साल की भी ऑप्शन खरीद सकते हैं, और उसका एक आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो इन्होंने एक मंदी की पोजिशन बनाई है, और सब लोग ये मान के बैठे हैं कि भाई इन्होंने पहले कहा था 2008 में कि मंदी आएगी और एक क्रैश होगा स्टॉक मार्केट में, वो क्रैश हो गया था, वहां पर इन्होंने बहुत पैसे बनाए। तो यहां पर सबकी नजरें वहां बनी हुई है, तो हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमें क्या लगता है, किस तरीके का आउटलुक इनका है, क्या चीजें ये सोच रहे हैं, उस पर हम थोड़ी सी नजर डालने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि माइकल बरी की इस शॉर्ट पोजीशंस के बाद क्या खबरें मीडिया में चल रही हैं। तो देखिएगा जो यूएस के जो चैनल्स हैं, बिजनेस इंसाइडर्स, मार्केट इंसाइडर्स, इंडिपेंडेंट, टेलीग्राफ, वहां पे सब जगह पर एक ही चर्चा है कि भाई इन्होंने कोई पोजीशन बनाई है, तो इसको आपने एक बार कंसीडर जरूर करना है। आप उसका एनालिसिस करिए, मंदी बनेगी नहीं बनेगी वो अलग बात है, बट इन्होंने मंदी बनाई है। इंडिया की भी चैनल्स अगर आप देखें तो इंडिया टुडे ने भी इस खबर को प्रमुखता के साथ छापा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो पूरी खबरें हैं, अगर यूट्यूब के ऊपर भी बात करें तो माइकल बरी की जो यूएस के अंदर जो बेसिकली जो चैनल्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस शेयर करते हैं, तो वहाँ पर भी एक प्रमुखता के साथ ये खबर जो है बनी हुई है, यानी कि लाइमलाइट में है माइकल बरी। और माइकल बरी के बाद एक घी में, सॉरी, आग में घी डालने का काम एक दूसरी खबर ने कर दिया, जहाँ वॉरेन बफेट ने इस पीरियड के अंदर, यानी कि जो पिछला क्वार्टर था, इस क्वार्टर के अंदर नेट नेट 8 बिलियंस की जो पोजीशंस हैं इक्विटी में सेल कर दिए हैं। अगर 8 बिलियन को आप कैलकुलेट करें तो वो इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट करें तो तकरीबन अगर 82 डॉलर्स का, 82 रुपीस, 82 रुपीस का 1 डॉलर अगर हम लें तो वो 65,600 करोड़ की फिगर्स बनकर आती है। तो इतनी बड़ी जो पोजीशंस है उन्होंने सोल्ड की है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये पोजीशंस अगर इंडिया में एक खाली एफआईज ने 65,600 बेचा होता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, बट वो यूएस का मार्केट है, वो काफी बड़ी मार्केट है, हमसे बड़ी इक्विटी है, तो वहां पर ये अमाउंट आपको शायद ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा। बट वॉरेन बफेट वो व्यक्ति है जो ये कहता है कि शेयर तो होता है सदा के लिए, तो शेयर होता है सदा के लिए, और जो सदा के लिए शेयर रखते हैं वहां पर इतनी बड़ी बिकवाली जो हुई है वो एक डाउट क्रिएट करती है कि कुछ ऐसी चीजें जो माइकल बरी को पता है, वॉरेन बफेट को पता है, या कुछ और बड़े इन्वेस्टर्स को पता है, जिसकी खबर अभी बाकी पार्टिसिपेंट्स को शायद नहीं है। ऐसा हो सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि माइकल बरी हमेशा ही ठीक रहे। माइकल बरी ने पीछे
कुछ ऐसी गलतियां भी की हैं जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे आपके साथ। तो अब अगर मैं सबसे पहले आपके साथ बात करूं कि माइकल बरी ने दोबारा से शॉर्ट पोजीशन बनाई है, तो देखिएगा याहू फाइनेंस ने क्या लिखा है, माइकल बरी ने दोबारा से शॉर्ट पोजीशन बनाई है। दोबारा का मतलब ये नहीं कि इन्होंने दूसरी बारी बनाई होगी, बट ये मतलब निकालने की कोशिश हो रही है कि 2008 में जो मंदी हुई थी उसकी शॉर्ट पोजीशन उन्होंने 2005 में बनाई थी। तो आप अगर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि आज से ही शॉर्ट पोजीशन बनाई, बट उनका एक व्यू हो गया है कि हाँ अब बाजार के अंदर तेजी की संभावना कम है और वो ओवरवैल्यूड स्टॉक्स को शॉर्ट मार रहे हैं। तो सीधी सी बात ये कि उन्होंने ओवरवैल्यूड इंडेक्स के ऊपर बनाया और जो मंदी की पोजीशन बनाई है 1.6 बिलियन वो S&P 500 में भी बनाई और नैसडेक के अंदर भी बनाई है। तो यहां पर दोनों जगह जो है इन्होंने अपनी पोजीशंस मंदी की बनाई है, तो ये एक में सबसे खास बात है। अब बात कर लेते हैं कि सर इतना बड़ा माइकल बरी कर रहे हैं, इनके बारे में कुछ बताओ तो सही कि ये है कौन। तो माइकल बरी देखिएगा, सीधी सी बात मैं आपके साथ बोलूंगा कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं जो एक फंड मैनेज करते हैं। सबसे पहले इनकी प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं। देखिएगा ये कैलिफोर्निया जो शहर है वहीं पर ये बड़े हैं, पले हैं और वहीं पर इन्होंने पढ़ाई की है। सबसे खास बात ये इन्होंने पढ़ी इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स का मतलब है हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक्स और फाइनेंस अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन फिनेंस भी इकोनॉमिक्स के अंदर ही इंक्लूड होता है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब फाइनेंस भी आप मान सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को अलग अलग हम कर तो सकते हैं बट मोर और लेस दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, उसके बाद इन्होंने किया, इन्होंने फिर प्री मेडिकल की तैयारी की, यानी कि डॉक्टर बनने की तैयारी की, वहाँ से फिर इन्होंने MD की और फिर ये रेजिडेंस डॉक्टर बने पैथोलॉजी के अंदर। उसके बाद देखिएगा ये दिन में जो है अपना डॉक्टरी का काम करते थे और रात में इनके अंदर जो है एक दिमाग में कीड़ा उड़ जाता फाइनेंस वाला, और फिर वहाँ फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग की राह पर जो है चलती है। बाद में इनका मन लगा नहीं डॉक्टरी में, इन्होंने कहा कि ठीक है हम अपना एक हेज फंड बनाते हैं। तो शुरू में इन्होंने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की 1996 से, और फिर जो है इन्होंने एक हेज फंड बनाया और हेज फंड में काफ़ी लोगों को जोड़ा अपने साथ, और वहाँ पर शुरू में इन्होंने अपने पैसे डाले, अपने ब्रदर के पैसे डाले, और इनके जो फादर है उनकी डेथ जो है एक मेडिकल ट्रीटमेंट गलत होने की वजह से जो है हुई थी, जहाँ से इनको एक कंपनसेशन मिला वो पैसा भी इन्होंने उसके अंदर डाला। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो वैनगार्ड जो फंड है वहाँ से इनको एक सहारा मिला, उन्होंने बहुत बेहतरीन रिटर्न्स जो है वहाँ पर कमा के दी। तो जब S&P 500 जो है परफॉर्म नहीं कर रहा था, मान लीजिएगा हम ये कहें कि हमारे शेयर बाजार तो गिर रहे हैं और यहाँ के इंडिया के म्यूचुअल फंड्स आपको रिटर्न्स दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति थी। तो 2001 में जब S&P 500 11.88% गिरा तो इनके फंड ने 55% रिटर्न दी। जब S&P 500 दोबारा गिरा अगले साल 22.1%, इनके फंड्स ने फिर 16% की रिटर्न्स दी। और उसके बाद जब मार्केट टर्न अराउंड हुआ और मार्केट ने 28.69% रिटर्न दी, तो इन्होंने जो रिटर्न्स दी 2003-2004 में वो रिटर्न्स दी 50%। तो ये देखिएगा सबकी नज़रों में आ गए। और उसके बाद जब मंदी हुई 2008 के अंदर पूरे वर्ल्ड मार्केट क्रैश हो गए, तब ये मंदी की पोजीशन बैठे, यानी कि तेजी के साथ साथ मंदी के भी खिलाड़ी ये जो है रहे, और ये नहीं कि वैल्यूएशंस को किस तरीके से मैनेज करते हैं और अपने फिनेंस को या अपनी पोजीशंस को कैसे मैनेज करते हैं, इन्होंने अपना लोहा जो है 2008 में मनवा लिया। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर आगे क्या चला, अब 2008 में जब इन्होंने पैसा बनाया तो 8000 करोड़ आज के हिसाब से, मैं 80 रुपए के हिसाब से डॉलर की वैल्यू ले रहा हूँ, 8000 करोड़ रुपए अपने बनाए और 56000 करोड़ 56000 करोड़ रुपीस अपने इन्वेस्टर्स के बनाए, यानी कि कुल मिलाकर ये जो है इन्होंने ये कहा कि भाई मंदी होएगी और 2005 से ये पीछे लगे रहे। और इनको पता कैसे चला, क्योंकि जब इन्होंने देखा कि जो बैंक हैं वहाँ पर प्रॉपर्टी में फाइनेंस कर रहे हैं और असेट्स की जो क्वालिटी है उसके सामने फाइनेंस ज़्यादा हो रहा है जो क्वालिटी है, और फिर वही बैंकों ने जो पेपर्स हैं लोन के पेपर्स हैं जिसको हम डेट स्क्रूटिनाइजेशन बोलते हैं, तो इन्होंने डेट स्क्रूटिनाइजेशन जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर को करी और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने उसके बेस पर जो है सिक्योरिटीज़ निकाली और वो AAA रेटेड सिक्योरिटीज़ जो है बताई गई। और उसमें बाद में पता चला कि भाई वो AAA रेटेड नहीं थी, और यहाँ पर माइकल बरी को लगा कि भाई ये जो असेट्स की क्वालिटी उसके सामने AAA जो असेट्स हैं वो हमें लगती नहीं है, जस्टिफाई नहीं होती है। मान लीजिएगा आपने एक घर लिया 100 करोड़ रुपए का, अब वो 100 करोड़ के घर के सामने आपने 90 करोड़ रुपए लोन दे दिया
और जिस व्यक्ति को लोन दिया गया था उसका प्रोफाइल इतना बढ़िया नहीं था कि वो पे कर दे, लेकिन जो है क्रेडिट रेटिंग ने उसको AAA रेट किया और वो जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को बेच दी गई कि हाँ भाई ये लोन हमें आएगा तो इसके पैसे आप ले लेना और बदले में आप हमारे को नया कैश दे दो। और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने उनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स बनाकर बाजार में बेच दिया जिसको क्रेडिट रेटिंग से AAA रेट करा लिया गया। बाद में ये पता चला कि कुछ पैसे भी दिए गए थे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को AAA रेट कराने के लिए। AAA रेटिंग ऐसी रेटिंग होती है जिसके पेपर्स हाथों हाथ बिकते हैं और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी आपके जो पेपर्स हैं वो जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो खरीद लेते हैं। तो वहां पर इन्होंने अपनी एक बैट खेली और वहां पर इन्होंने काफी रिसर्च की कि असेट्स क्वालिटी के सामने AAA रेटेड पेपर्स नहीं है, यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी। तो इन्होंने 2005 में मंदी बनानी शुरू की थी और वो फूटी कब थी, 2008 में। तो जो लोग अभी ये देख के खुश हो रहे होंगे कि जी अभी इन्होंने मंदी की पुट की पोजीशन बना ली, अब तो बाजार गिरना ही है, ऐसा नहीं होता है, तुरंत हो ऐसा नहीं है। बट हाँ, इंडिकेशन ये है कि US के बाजारों में कुछ ऐसा होगा जो इन बड़े प्लेयर्स को पता है, जिसकी खबर अभी वर्ल्ड के अंदर जो बाकी एक्सपर्ट्स हैं उनके पास शायद नहीं है। और देखिएगा, 2008 में भी इन्होंने क्या किया कि जब बाजार गिरे तो इन्होंने 2008 में अपनी मंदी काट ली और प्रॉफिट अपना लिया और साइड में बैठ गए। इसके बाद इन्होंने अपना फंड जो है हेज फंड बंद कर दिया था, उसके बाद दोबारा से इन्होंने अपना हेज फंड नाम बदल कर स्टार्ट किया। और यहाँ पर अब जो इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है, वो शॉर्ट पोजीशन से पहले भी इन्होंने एक टेस्ला के शेयर्स में भी पीछे 2 साल पहले इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, उसकी भी चर्चा भी आगे करेंगे वीडियो के अगले हिस्से में। लेकिन अभी जो अगस्त 2023 के अंदर पोजीशंस बनाई है, तो इनका जो फंड है सीक्यून असेट्स मैनेजमेंट, उसने ही पोजीशंस बनाई है 1.6 बिलियन की बैट, और ये S&P 500 और NASDAQ 100 के अंदर बनाई है। और ये जो सेकंड क्वार्टर, क्योंकि उनका जो क्वार्टर है वो हमसे एक आगे चलता है, उनका जनवरी से साल शुरू होता है, तो सेकंड क्वार्टर 2023 में बनाई है। और यहाँ पर उनका ये जो वैल्यू है, यानी कि जो उनके पास पोर्टफोलियो है उसके सामने 93% की वैल्यू है। बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि ये हेज होगा क्योंकि इन्होंने पुट खरीदी है, यानी कि जो पोर्टफोलियो उसको तो ऑन कर रहे हैं लेकिन उसके सामने इन्होंने पुट खरीदी है, तो ये एक हेजिंग पोजिशन भी हो सकती है, लेकिन बाजार इसको एक क्रैश मानकर जो है एंटिसिपेट कर रहा है। अब बात करें कि इस पूरे एपिसोड में क्या रहा, देखिएगा इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से शॉर्ट बिल्डअप किए थे 2020 2021 के अंदर, और यहां पर ये औंधे मुंह गिरे थे और नेस्डेक के शेयर्स ने क्या जबरदस्त तेजी की थी। अब उस तेजी के बाद ये जो है फंसते हुए नजर आए और वहां पर जो है काफी गहमा गहमी रही। और इन्होंने ट्वीट किया था कि वेल माई लास्ट बिग शॉर्ट गोट बिगर बिगर एंड बिगर टू, इन्होंने हर राइज के ऊपर उसको शॉर्ट मारते रहे। और बाद में इन्होंने लिखा कि आज की डेट में जब वो शॉर्ट्स की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई थी, टेस्ला के शेयर्स के प्राइस बहुत ज़्यादा राइज हो गए थे, तो इन्होंने ट्वीट किया था, एक जनरल मोटर्स, दो हर्षे, तीन एटसे, चार डोमिनोज और इसी तरीके की 10 और कंपनियाँ, उन सब की वैल्यू मिला लो तो अकेला टेस्ला उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। तो ये प्रॉफिट्स के एंगल से भी उन्होंने बताया था कि ये वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करती और वहां पर उन्होंने शॉर्ट लंबे समय तक बना के रखे थे। अब ये जो शॉर्ट्स बनाए थे, बाद में इन शॉर्ट्स में वो फंसे भी थे और वहां पर इन्होंने लॉस भी बुक किया था। हालांकि बाद में वो शेयर्स, तो टेस्ला का शेयर्स, एक बार में इन्होंने कहा था कि 70% तक वो शेयर गिर सकता है और बाद में वो 70% गिरा भी था पीक से, और वो 70% गिरा भी था टेस्ला का शेयर। और इसके बारे में जो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि आप हर बार ठीक हो, तो निवेश करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, अपने विवेक का यूज़ करें, ट्रेड करें किसी भी तरीके से। देखिएगा पैसा आपका है, नुकसान या फायदा आपको मिलने वाला है, इसलिए समझ रखिएगा, सारी जगह से पढ़ाई करिए, जो आपको समझ में आता है वो करिए, और अगर नहीं समझ में आता तो कुछ मत करिए, थोड़े दिन आराम से बैठिए। और मेरा बेसिक प्रिंसिपल ये है कि बाजार सस्ते मिल जाए भैया, अगर करेक्शन हो भी जाए तो बाजार सस्ते मिलेंगे वहाँ पे खरीद लीजिए, बाजार में अच्छी तेजी आ रही है तो भैया अपना पोर्टफोलियो बेच लीजिए। मेरे लिए तो देखिएगा ये गोल्डन प्रिंसिपल, और मैं यही एनालिसिस को जब मैं देखता हूँ तो जनरली इनका भी प्रिंसिपल यही है। माइकल बरी को देखेंगे तो जब बाजार इनके लिए सस्ते थे तो इन्होंने खरीद के पैसे बनाए, और जब इनको लगा कि यार बाजार की तो वैल्यू जो है ठीक नहीं है, इन्होंने मंदी करके भी पैसे बनाए। और यहाँ पर माइकल बरी की जो है हम तारीफ करेंगे कि 2000 से लेकर 2008 तक इन्होंने जो भी अपने फंड के साथ या हेज फंड के साथ किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था।
अगर हम बात करें आगे माइकल बरी की कि भाई वो क्यों शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, वो तो चर्चा मैं आपके साथ करूंगा ही, और यहाँ से कुछ हम नॉलेजेबल पार्ट जो है शुरू करेंगे, तो उसके लिए देखिएगा अगले वीडियो में आप जुड़े रहिएगा, अगले पार्ट में हम उसकी चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।